कैसे दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर से मैं हाजिर हूँ एक बहुत पावरफुल टॉपिक लेके। आपको बहुत मजा आने वाला है। आज कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो शायद हमने पहले कभी डिस्कशन नहीं किया। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक समय पे इस पृथ्वी पर सबसे अमीर इंसान थे और उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर अपनी कामयाबी का राज बताया, अपनी कामयाबी के कुछ प्रिंसिपल बताए और कहा कि दुनिया में जो भी इंसान अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब होना चाहता है, अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है और इस प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है तो जरूर वो अपनी जिंदगी में बहुत अमीर और बहुत कामयाब बनेगा। तो आज एक ऐसे ही पर्सन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और उनका नाम है जे पॉल गेटी। जी हाँ, चलिए जे पॉल गेटी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि जे पॉल गेटी कौन थे और जे पॉल गेटी ने क्या किया। तो जे पॉल गेटी के बारे में हम जान लेते हैं कि जे पॉल गेटी एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे और ये अमेरिकन बिजनेसमैन पैदा हुए थे 1892 के अंदर। यस, 15 दिसंबर 1892 में ये पैदा हुए थे और 6 जून 1976 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कंपनी का नाम था गेटी ऑयल कंपनी, जो ऑयल का बहुत बड़ा बिजनेस करती थी और जिसके कारण ये अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हुए। इनको 1957 के अंदर फॉर्च्यून मैगजीन ने इनको रिचेस्ट मैन का अमेरिका के अंदर उपाधि दी थी कि अमेरिका के में उस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा अमीर इंसान ये थे और ये फॉर्च्यून मैगजीन ने इनको उपाधि दी। इसके अलावा 1966 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान का उपाधि दिया और जब इनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम पर $6 बिलियन इनकी नेटवर्थ थी, जो 2018 में लगभग अगर कैलकुलेशन किया जाता तो लगभग $21 बिलियन और 2020 में तो आज शायद इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती। तो आज इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी सक्सेस हासिल की थी उस समय में और उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम दिया हाउ टू बी रिच बाय जे पॉल गेटी, कि जे पॉल गेटी के हिसाब से आप अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हुए, ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं जिन्होंने उनको कामयाब किए और इस बुक के अंदर उन्होंने वो प्रिंसिपल सारे डाले। तो वो प्रिंसिपल को अगर फॉलो करके कोई भी इंसान चाहे तो इस दुनिया में कामयाब हो सकता है। तो कौन से वो 6 प्रिंसिपल है मैं आज बात करने वाला हूँ कि जे पॉल गेटी के 6 ऐसे सक्सेसफुल प्रिंसिपल हैं जिनका फॉलो करके दुनिया का कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकता है। कौन से वो 6 प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल है वास्ट विजन। जी हाँ, वास्ट विजन का मतलब है कि आने वाले 2, 5, 10, 15, 20, 50 सालों के बारे में आप सोचिए कि आज आप ये सोचकर मत काम करो कि आज मैं काम कर रहा हूं और कल इसका रिजल्ट मिले। आप 5 या 10 सालों के बाद का आप विजन बनाओ और उसके ऊपर आज काम करो, क्योंकि दूर तक सोचकर जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। पर ज्यादातर लोगों की दिक्कत यही होती है कि उनको तुरंत का तुरंत चाहिए। सोचिए, आप अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो आपका आम पेड़ आप लगाते हैं लेकिन शायद आप आम का पूरा मजा नहीं ले पाते, आपके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे उसका मजा लेते हैं। तो वास्ट विजन यही है कि जिंदगी में जब आप बहुत कामयाब बहुत अमीर बनना चाहते हो तो आपको दूर की सोच रख के चलना पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल इनका है कि जॉब इज नॉट द राइट वे फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ, आप अपनी नौकरी से आप अपना घर का गुजारा कर सकते हैं, आप अपना परिवार चला सकते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियली फ्रीडम की बात आती है, जिंदगी में सफल होने की बात होती है, कामयाब होने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जॉब हर जगह पे सही नहीं है, अपवाद को छोड़कर। तो जॉब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम होने का सही रास्ता नहीं है, इसलिए जॉब से हम अपने सपने पूरे शायद नहीं कर पाएंगे और इसीलिए जॉब को उन्होंने एक सही रास्ता नहीं बताया है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। तीसरा है कि उन्होंने कहा है डू योर ऑन बिजनेस, कि जॉब को छोड़कर आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं या जॉब के साथ साथ में आप अपना खुद का बिजनेस करें, जहां पर जॉब में से आपको एक इनकम मिले, जहां से आपके घर और सारी चीजें आपकी जरूरतें पूरी हो और बिजनेस से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो डू योर ऑन बिजनेस, अपना खुद का व्यापार कीजिए, क्योंकि व्यापार से आप अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी हर कैपेसिटी को व्यापार से बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बिजनेस करने का बहुत अच्छा तीसरा प्रिंसिपल दिया है। चौथा प्रिंसिपल उन्होंने दिया है कि बिजनेस विथ रेंट, आप बिजनेस कीजिए तो आप उस चीज का बिजनेस मत कीजिए जो एक्सपायर हो चुका है, जो पुराने जमाने के हैं। उन्होंने कहा कि आप बिजनेस कीजिए ट्रेंड के हिसाब से, जो जमाना चल रहा है जिस चीज का है उस चीज का आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो ही आप अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस हो पाएंगे, अमीर हो पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। तो बिजनेस विथ ट्रेंड आपको बहुत जरूरी है कि बिजनेस करते समय ये देख लीजिए कि बिजनेस आज के जमाने का ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये बिजनेस का जमाना चला चुका है या ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विसेज पुरानी हो चुकी है। तो बिजनेस आज के जमाने का आपको करना जरूरी है। पांचवा प्रिंसिपल उन्होंने दिया डाइवर्सिफाई योर इनकम। जी हाँ, इसका मतलब है कि आपके सारे पैसे एक रास्ते से ना आए,
आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग रास्ते से आपके पैसे आने चाहिए। कहा जाता है आपके पास एक दुकान हो और वहां से 100 रुपए आते हो, उससे बेहतर है आपके पास 10 दुकान होने चाहिए जहां से 10-10 रुपए आते हो, कि अगर मानो कि एक या दुकान में, एक या दो दुकान में कहीं पर दिक्कत आती है तो शायद आपकी पूरी इनकम बंद ना हो। इसीलिए आपकी इनकम को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, अलग अलग जगह से आपको इनकम जनरेट हो ऐसा आपको रास्ता सेलेक्ट करना है, ऐसा बिजनेस आपको करना है। तो डाइवर्सिफाई योर इनकम, ये उनका 5वां प्रिंसिपल है। और 6वां जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है हेल्प अदर, दूसरों की मदद कीजिए। आप ऐसा व्यापार कीजिए, ऐसा बिजनेस कीजिए जहां पे आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं उनकी कामयाब होने में, क्योंकि अगर आप लोगों को मदद करते हैं कामयाब होने में तो डेफिनेटली आप भी अपनी जिंदगी में उतना ही कामयाब होंगे, उससे ज्यादा कामयाब होंगे जितनी आप मदद करेंगे। तो ऐसा बिजनेस आप सेलेक्ट कीजिए जहां पर आप लोगों की मदद कर सके उनको कामयाब होने में, तो आपकी कामयाबी अपने आप आपको मिल जाएगी। तो ये 6 प्रिंसिपल उन्होंने इस किताब के अंदर दिए कि ये 6 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी इंसान सक्सेस हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रिंसिपल का यूज करके अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की, और आज के टाइम पर ये सारे के सारे प्रिंसिपल एक इंडस्ट्री में लागू होते हैं जहां पर कोई भी इंसान ये 6 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में सक्सेस हो सकता है। तो कौन सा वो इंडस्ट्री है, कौन सी वो दुनिया है जहां पर ये सारे प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप कामयाब हो सकते हैं, तो वो दुनिया है नेटवर्क मार्केटिंग की। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग की। और आज नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में सबसे उभरता हुआ इंडस्ट्री है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के सारे रिपोर्ट्स कह रहे हैं। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में और पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या है। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि आज मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कह ले, डायरेक्ट सेलिंग कर ले या फिर रेफरल मार्केटिंग, इसको 1945 में इंट्रोड्यूस किया था न्यूट्रीलाइट ने, और उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई। और आज फिक्की एंड केपीएमजी का रिपोर्ट कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग आज के टाइम पे $167 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। जी हाँ, सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, और आज नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पूरी दुनिया का 21वीं सदी का सबसे उभरता हुआ बिजनेस है, जिसमें आज कोई भी इंसान एक छोटे से इन्वेस्टमेंट या बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी कामयाबी हासिल कर लेता है। इंडिया के बारे में बात करें तो अभी इंडिया के अंदर 0.7% लोग ही हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और आज इसका भविष्य इंडिया के अंदर बहुत बेहतरीन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं रोजगार दे सकता है और उनको कामयाब होने में मदद कर सकता है। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर यंगस्टर हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जिंदगी में अपना करियर और अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज फिक्की और केपीएमजी का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि 2025 तक लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी इंडिया के अंदर ये नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, तो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। तो आज के टाइम पे आप, मैं किसी की कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिंदगी के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बेहतरीन मौका है कि जहां से आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो आज जैसे कि मोदी जी ने भी, हम सब ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत के बारे में प्रमोट किया। तो आत्मनिर्भर भारत है क्या, कि उन्होंने कहा कि इंडिया में बनाई हुई चीजों को इंडिया में ही बेचा जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है और बहुत अच्छे बिजनेस प्लान्स भी देती हैं, जिससे हम अपनी प्रोडक्ट को खुद अपने इंडिया के अंदर बेच सकते हैं और वहीं से जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा। एक समय ऐसा था जब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया के अंदर पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, और आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री भविष्य में बनने जा रही है इंडिया के अंदर। तो आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब भी आप जुड़ने के डिसीजन लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए सोच रहे हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जब भी आप पसंद करें तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करने से पहले या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एंट्री लेने से पहले आप 5 चीजें जरूर चेक कर लीजिए, जिसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप इस इंडस्ट्री में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में देख लीजिए कि कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, क्या कंपनी के ने गवर्नमेंट के सारे नियमों का पालन किया हुआ है,
सारे के सारे सर्टिफिकेट हैं, सारे की सारी लीगल प्रोसेस क्या उनकी कंप्लीट है, ये आपको चेक करना रहेगा। दूसरा, आपको प्रोडक्ट के बारे में देखना रहेगा, क्या कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वायबल है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो वाकई में इफेक्ट है, असरकारक है। ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट क्या मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है, क्या मार्केट की उसकी नीड है, आप प्रोडक्ट के बारे में जरूर जान लीजिए। तीसरी चीज है, कंपनी के जो लीडर्स होते हैं उनका विजन और वैल्यू जरूर देखिए कि भाई वो फ्यूचर के अंदर क्या बनाने की सोच रहे हैं, क्या उनका विजन है और उसके हिसाब से उन्होंने क्या वैल्यू बनाई है, क्या सिद्धांत बनाए हैं, क्या चीजें वो नहीं करेंगे, कौन सी हालात के अंदर क्या क्या सिचुएशन उन्होंने सोचा हुआ है, ये जरूर आप देखिए बिजनेस का। और उसके बाद में कंपनी का बिजनेस प्लान देखिए कि कंपनी का प्लान क्या है, क्या ये बाइनरी प्लान है, क्या ये जनरेशन प्लान है, क्या इस तरीके से कौन सा प्लान है और इसमें कितना पे आउट कैसे मिलता है, ये पूरी चीजें सही होनी चाहिए। तो ये चीजें आप चौथी देखिए। पांचवी चीज आपको देखने की जरूरत है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के अंदर सिस्टम और एजुकेशन, कि जी हाँ कंपनी के अंदर सिस्टम है या नहीं है, या कंपनी के अंदर ट्रेनिंग या एजुकेशन का पूरा प्रोसेस है या नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग और एजुकेशन के बिना कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिंदगी में या पूरी दुनिया में अंदर कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकती। तो ये पांच चीजें आप चेक करके कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आप चूज कर सकते हैं और आप उसके अंदर बहुत सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन कीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जहां से आप फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में हर एक सपने को पूरे कर सकते हैं। सो मेरा यही कहना है कि अगर आप अपने बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आप खाली चेक कर लीजिए कि वहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए और इस इंडस्ट्री से जुड़ के आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ में मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इतना ही कहूं कि ये प्रिंसिपल का उपयोग करिए, बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, आप भी ये प्रिंसिपल का उपयोग करके कामयाब होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप जिंदगी में कामयाब रहे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ग्रेट कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।